हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं साजिद शेख फिर से एक बार हाजिर हूँ मेरे एक नए ऑडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है थोड़ा इमोशनल है, बिकॉज हम मेरे जैसे काफ़ी मुसलमान भाई हैं जो फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, क्योंकि कुछ गलत वीडियो के ज़रिए से जो भी मैसेज लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, जो कि हम जिसके पूरी तरह से खिलाफ़ है, और जो भी बातें आज कोरोना वायरस को लेकर मुस्लिम समाज इज रिस्पॉन्सिबल, ऐसी जो बातें चल रही है दैट इज़ फुली रॉन्ग थिंग। और अगर ऐसा है भी, अगर लोगों ने ऐसी गलतियां भी की होगी जानबूझ के या गलती से, तो ऐसी गलती को जो है हम कतई सपोर्ट नहीं करते, हम उसके खिलाफ है। लेकिन किसी एक या दूसरे बंदे की गलती को लेकर आप पूरे समाज को जो है गलत नहीं ठहरा सकते। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि लोगों को जो है, लोगों के अंदर जो एकता है वो बनी रहना बहुत ज़रूरी है। आज काफ़ी सारा माहौल ऐसे बन चुका है कि लोग जो है तो मुस्लिम्स को जो है ऐसी नज़र से देख रहे हैं कि दे आर स्प्रेडिंग कोरोना, दे वांट टू स्प्रेड कोरोना थ्रू आउट द कंट्री। दिस इज़ नॉट द रियल सिचुएशन एक्चुअली। काफ़ी मुस्लिम जो है उससे हर्ट हो रहे हैं और काफ़ी परेशान भी है। कुछ किस्से मुझे ऐसे भी पता चले कि काफ़ी जगह पे जो है लोगों ने मुस्लिम समुदाय से जो है अपनी वेजिटेबल्स को खरीदना बंद कर दिया या फ्रूट्स को खरीदना बंद कर दिया। दोस्तों देखो, बात यह है कि समुदाय कौन सा भी हो, लेकिन अगर कोई एक इंसान अगर गलती करता है तो उसकी सजा पूरी कौम को या पूरी जमात को या तो पूरी लोगों को या पूरी कम्युनिटी को देना, ये गलत बात है। क्योंकि एक पर्सन जो है ना, ही इज़ नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट द कम्युनिटी, वो पूरी कम्युनिटी को दर्शा नहीं सकता। तो इसलिए आपको भी ख्याल रखना है। जैसे कि इंडिया इज़ द सेकुलर कंट्री और यहाँ पर जो है हर एक की भावनाओं का आदर किया जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर इंसानियत की जो है उसकी भी वैल्यू है। वो हिसाब से मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इंसानियत के नाते इन लोगों को देखा जाए। कोरोना जो वायरस है उससे कितने लोग मरेंगे नहीं मरेंगे, वो वायरस अफेक्ट करेगा और उसके बाद बॉडी के अंदर वो फाइट करेगा और उसके बाद में पर्सन कैन सर्वाइव और कैन नॉट सर्वाइव, देर आर टू चांसेस। लेकिन यार, अगर आप ऐसा इंसानों को यानी मुसलमानों से खरीदना बंद करोगे या उनको मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब रखोगे, तो देन दैट इज़ गोइंग टू कॉज अ बिग थिंग और बिग डिस्ट्रेस इन देयर लाइफ। और काफ़ी सारे मुस्लिम जो है दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर, जो कहीं काम नहीं करते, और जो भी उनका डेली का जो रोज़गार है, आप लोग, मैं और बाकी सारे कम्युनिटी सब लोग जाते हैं उनसे खरीदते हैं, तभी उनका कारोबार चल पाता है। और ऐसे लोगों से, ऐसे जो मोहताज है, गरीब है, ऐसे लोगों से अगर आपने ख़रीदना भी बंद कर दिया तो उनके हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो भी अलग अलग व्यापार कर रहे थे, उन्होंने अभी सब कुछ छोड़ के वेजिटेबल्स और फ्रूट का जो बिक्री है उसको स्टार्ट कर दिया है, जिसके ज़रिए से जो है काफ़ी कम कीमत में एट द डोर स्टेप हमको सारी चीज़ें मिल पा रही है। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी अगर मिल जाए तो उस थोड़े बहुत इनकम के साथ हम हमारे घर का गुजारा चल सके। इस तरीके से वो अपने वेजिटेबल्स को, अपने फ्रूट्स को, सब्जियों को और फलों को बेच रहे हैं और कम से कम नफे में हमारा घर तो भी चल सके, ऐसे उनकी ख्वाहिश है। और ऐसे लोगों को अगर तुमने उनसे ख़रीदना बंद कर दिया तो दो वक्त की रोटी मिलना ऐसे लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा और ऐसे हालात में वो जीते जी मर जाएंगे और उनकी फैमिलीज भी सफ़र होंगी। तो कोरोना से कितना इफ़ेक्ट होगा मुझे पता नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस जो आप सोशल डिस्टेंसिंग जो विद इन द रिलीजन कर रहे हो, that is not going to cause anything good in their lives. जीते जी मारना ये गलत बात है दोस्तों, you are murdering them. तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि इस चीज़ को दूर किया जाए। देखिए, कुछ वीडियोस जो है ना तो उसमें से सच भी होंगे, लेकिन काफ़ी सारी वीडियोस, वायरल वीडियोस जो है उसके बिहाइंड का अगर तुम सच देखोगे तो देर इज़ मच मोर टू सी
कि ऐसे वीडियोस जो है तो पुराने हैं जिसको वापस से लाया जा रहा है। कोई 2018 का है, 17 का है, 2019 के पहले का है, 2019 के फरवरी का है एक वीडियो। तो ऐसे जो वीडियोस है जिसके जरिए से तमाम लोगों को जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है, और काफ़ी लोग जो है हर कम्युनिटी में ऐसे लोग भी मौजूद है जिन्हें सोच या समझ नहीं होती और वो सच को फाइंड आउट करने में नहीं लगते। अगर एक बार उन्होंने देख लिया कि ये चीज़ गलत है, यानी अगर ये कम्युनिटी गलत है और ये कम्युनिटी वाले गलत कर रहे हैं, तो उसी को वो फॉलो करने लग जाते हैं। उसका उसके पीछे का सच जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि ऐसे लोगों से बचें, और सारे मीडिया वालों से मेरा एक अनुरोध है कि आप गलत वीडियोस को शेयर ना करें। अभी ये वक्त जो है तो सोशल एकता का है और लोगों को इकट्ठा रखने का है। अगर लोगों में अगर ये चीज़ें फैल जाएंगी कि गलत फहमियाँ फैल जाएंगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय रिलीजियस जो सेकुलरिज्म है वो इंडिया में नहीं रहेगा। उससे काफ़ी परेशानी का सामना जो है गवर्नमेंट को भी और सबको झेलना पड़ सकता है। तो मैं एज अ मुस्लिम आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग विच इज़ रॉन्ग, यानी गवर्नमेंट को किसी तरीके से सपोर्ट ना करना या तो उनके साथ खड़ा ना होना, ये सारी चीज़ें मैं गलत मानता हूँ। और ऐसे मानने वाले पूरे मुस्लिम्स हैं, और चंद लोगों की वजह से या चंद लोगों की गलतियों की वजह से आप पूरे कम्युनिटी को दोष ना दें। और मीडिया वालों से अनुरोध है मेरा, बार बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी फ़िलहाल जो है ऐसे चीज़ों को प्रमोट ना करें जिसके ज़रिए से मुस्लिम इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऐसा प्रमोट करें। ये गलत चीज़ है। देखो, मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई भी रिलीजन का बंदा हो, ही इज़ जस्ट अ पर्सन, ही इज़ एन इंडिविजुअल। अगर वो इंडिविजुअल के वजह से कुछ चीज़ें होती है, यू कैन नॉट बैन होल कम्युनिटी, यू कैन नॉट ब्लेम होल कम्युनिटी। सो माई रिक्वेस्ट इज़ दैट प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ सपोर्ट माई वीडियो, एंड प्लीज़ ये इस वीडियो को जो है लोगों तक पहुंचाओ, ताकि लोगों की आंखें खुले, लोगों को ये पता चले कि देर इज़ नथिंग लाइक दिस। हर कोई एक जैसा नहीं होता। यू कैन नॉट इंडिविजुअल के जो पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं वो होते हैं, और एक कोई इंडिविजुअल अगर गलती कर दे तो उसके लिए पूरे कम्युनिटी को दोषी ठहराना और सबको साइड में करना, दैट इज़ नॉट द गुड थिंग। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, थैंक यू। हमारे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनके भी अनुशासन के हिसाब से, और उद्धव जी ने कल भी जो बात कही है कि जो भी सोशल एकता है उसको बनाए रखा जाए और ऐसे वीडियो शेयर ना किए जाए जिसके ज़रिए से लोगों के अंदर जो है गलत फहमियाँ फैल जाए, तो उनको मैं सपोर्ट करना चाहूँगा, उनको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात को सबके सामने लाया कि कुछ तो गलत हो रहा है और लोग जो है गलत फहमियाँ लोगों में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनको भी सपोर्ट करना चाहूँगा, उनके साथ में खड़ा रहना चाहूँगा, और सभी जनता से मेरा अनुरोध है कि आप ये चीज़ें छोड़ दें और ऐसी चीज़ों से परहेज करें, ताकि लोगों के अंदर जो है एकता बनी रहे और कोरोना के साथ फाइट करने के मिशन में हम सब साथ चलते रहे। Thank you very much.